बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सहज किचन। आज मैं आपको ओरियो डिज़र्ट बनाना सिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा यमी और बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स आप उसको बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। उसके लिए ले रही हूँ मैं हाफ कप विप क्रीम, हाफ कप हम चॉकलेट गनाश ले रहे हैं और 8 से 10 अदद ओरियो बिस्किट ले रहे हैं। चॉकलेट गनाश जो है कैसे बनाई जाती है, जितनी चॉकलेट ले रहे हैं उसके हाफ आप क्रीम लेंगी, ओवन में रखें, डबल बॉयलर पे रखें, बॉयल करके उसको ठंडा कर लें तो हमारी चॉकलेट गनाश रेडी हो जाएगी। तो आइए अब इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लेंडर में ओरियो डाल देंगे। अब इनको अच्छे तरीके से आप ब्लेंड कर लें। मैं इनको क्रीम के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें बटर का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये ब्लेंड हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसको अपने डिश में डाल लेते हैं। इस तरह का आप कोई भी बोल ले लें, उसमें जो हमने अपने क्रश किए हुए ओरियो हैं वो डाल दें। और अगर आप इससे बड़ा बाउल ले रहे हैं तो आपने ओरियो की क्वांटिटी को ज़्यादा कर देना। अब इसको स्मूथली हर जगह स्प्रेड कर दें। जी, अब इसको फ्रिज में रखते हैं सेट होने के लिए, तब तक हम अपनी क्रीम रेडी कर लेते हैं। अब एक बाउल में हम क्रीम डाल देंगे, क्रीम भी अपने बाउल के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। 3/4 कप भी लग सकती है। अब इसको आप बीट कर लें। सॉफ्ट पीक्स जैसे ही बने तो इसका मतलब है हमारी जो क्रीम है वो रेडी है। ये देखें, ये बस नीचे गिरनी नहीं चाहिए, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इसको टाइट भी नहीं करना। अब ये रेडी होगी, इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट गनाश जो है वो पोर कर लेंगे। तो हम फिर से फ्रीज कर देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। जी, ये देखिए चॉकलेट गनाश हमारी सेट हो चुकी है। ये देखिए, अब इसमें हम क्रीम ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने स्मूथली लगा ली है इसको। अब इसमें हम थोड़े से क्रश के हुए ओरियो डाल देंगे। अच्छा, आप इसकी जगह चॉकलेट सिरप भी डाल सकती हैं, वो आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे भी डेकोरेट करना चाहें। और इसके साथ एक और बात कि अगर आपके पास विप क्रीम नहीं है तो आप इसकी जगह जो सिंपल ऑलपर्स और मिल्क पैक है वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका तब भी डेजर्ट रेडी हो जाएगा। अब इसको थोड़ी सी इसके ऊपर हम ओरियो बिस्किट लगा रही हूँ। मैं छोटे साइज़ में लगा रही हूँ क्योंकि मेरा बाउल जो है वो छोटा है, तो आप उस लिहाज से लगा लीजिए। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा ओरियो डेजर्ट रेडी है, लेकिन ये इसको अभी हम सर्व नहीं करेंगे। इसको 3 से 4 घंटों के लिए हम फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो मैं आपको 3 घंटों बाद दिखाती हूँ। जी, ठंडा हो चुके हैं, अब इसको हम सर्व कर लेते हैं प्लेट में। याद रहे इसको आपने कटिंग करते वक्त नीचे से कटिंग करनी है, नीचे वाली लेयर को आपने ज़रूर लेना है, वरना आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छी तरह कटिंग करके और इसके बॉटम से आपने लेना है पूरा। तो ये देखिए, यम, बहुत डिलीशियस है, अच्छे से ठंडा भी हुआ है। ये देखें, ये 2 लेयर्स हैं चॉकलेट का, भी कुछ अपना जायका है, बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।